तो पार्ट 14 की शुरुआत में हम रेड मास्टर की सेक्ट के एक एल्डर को देखते हैं, जिसे एक सैनिक बताता है कि शहर में जिन आ गया है और उसने हमारे कई सिपाहियों को भी मार दिया है, जिस पे वो एल्डर कहता है कि तुम चिंता मत करो, हमारे कुछ खास सैनिक बहुत ताकतवर हैं, साथ ही रेड मास्टर खुद भी यहाँ पर है, इसलिए चाहे जिन कितना भी ताकतवर हो पर हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इधर हम रेड मास्टर को देखते हैं जो खुद को हील कर रहा था, लेकिन बीबीपी के चेयरमैन के खास अटैक की वजह से वो खुद को हील नहीं कर पा रहा था। इधर जिन उस महल में पहुंच जाता है तो जिन को कुछ खास सैनिक घेर लेते हैं, तभी उस सेक्ट का एक पीक मास्टर बाहर आता है और कहता है कि हम तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे थे, जिस पर जिन कहता है कि मैं अब आपका इंतजार खत्म कर दूंगा क्योंकि तुम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। ये सुनकर वो पीक मास्टर अपने सैनिकों से एक फॉर्मेशन बनाने को कहता है, जिसके बाद जिन के चारों ओर एक पर्पल हेमिस्फीयर बन जाता है। तभी उसमें से कुछ लाइन स्पिरिट्स बाहर आके जिन पर अटैक करने लगती है, तो जिन उनसे बचने लगता है। तभी पीक मास्टर जिन को कहता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही खास है जिससे तुम नहीं बच सकते, तो जिन बोलता है कि ये फॉर्मेशन खास होगा लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं है। ये सुन के पीक मास्टर अपने कुछ सैनिकों को फॉर्मेशन के अंदर भेजता है और जिन पे अटैक करवाता है, लेकिन जिन उनसे बचकर उन्हें मार देता है। तभी जिन समझ जाता है कि ये एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन है, क्योंकि उस पर हो रहे अटैक अचानक से और अलग अलग डायरेक्शन से हो रहे थे, जिसकी वजह से जिन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जिसे देखकर वो पीक मास्टर कहता है कि तुम अब मरने वाले हो। जिसके बाद जिन के सामने कुछ सैनिक आते हैं और एक बड़ी सी फायरबॉल बनाकर जिन के ऊपर अटैक करते हैं, जिससे वहाँ बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। इधर रॉय, बेन और बाकी सब जिन के बारे में सोच रहे थे कि जिन रेड मास्टर की सेक्ट से लड़ना चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि उन लोगों के पास खास तरह की फॉर्मेशन पावर्स है, जिस पर रॉय कहता है कि आप सब चिंता मत कीजिए और जिन पर बिलीव रखिए। तभी उन सबको किसी की आवाज़ आती है जो उनकी तरफ बढ़ रहा था, तो बेन और रॉय चुपके से उस बंदे को देखते हैं, जिसे देखकर रॉय कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, वो मेरे डैड हैं। अब रॉय अपने फादर से गले मिलने के बाद उन सबका इंट्रोडक्शन अपने फादर से कराता है, जहां रॉय के फादर टीचर को कहते हैं कि मैं आप सबको जिन के बारे में बताना चाहता हूं, जो अकेले ही रेड मास्टर के सेक्ट से लड़ने चला गया है। ये सुनकर टीचर घबरा जाती है, जिस पर रॉय कहता है कि जिन ने हमें इस बारे में बताया भी नहीं और अकेले ही उनसे लड़ने चला गया। तो बेन बोलता है कि वो हम पे प्रेशर नहीं डालना चाहता था। तभी रॉय के फादर बोलते हैं कि अब तक रेड मास्टर की सेक्ट को जिन के बारे में पता चल गया होगा और उन्होंने उससे लड़ने की तैयारी भी कर ली होगी। ये सुन के टीचर अपने सैनिकों को जल्द से जल्द सबको रेडी करने को बोलती है, ताकि वो रेड मास्टर की सेक्ट में जाकर जिन की मदद कर सके। इधर उस रोशनी को देखकर पीक मास्टर को लगता है कि जिन मर गया, पर तभी उस फॉर्मेशन के अंदर जिन अचानक से एक सैनिक को मार के नीचे गिरा देता है और कहता है कि ये फॉर्मेशन तो बच्चों वाला है। ये देखकर बाकी सैनिक जिन को तलवार मारते हैं, लेकिन वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और दूसरी जगह से निकलता है। ये देख के वो सैनिक बोलता है कि ये क्या हो रहा है, जिस पर जिन कहता है कि मैं इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह समझ गया हूँ और अब मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ। तभी एक लाइन स्पिरिट जिन पे हमला करती है, पर जिन अपने आप को एक सैनिक से रिप्लेस कर देता है, जिसकी वजह से वो सैनिक मर जाता है। इसके बाद जिन बाकी सैनिकों को भी ऐसे ही मारने लगता है। ये देखकर वो पीक मास्टर बाहर के सैनिकों को वो फॉर्मेशन बंद करने को कहता है, लेकिन वो देखता है कि वो सैनिक किसी चीज से डरते हुए अजीब सा बिहेव कर रहे थे। ये देखकर पीक मास्टर खुद फॉर्मेशन के अंदर जाता है और समझ जाता है कि अब इसे जिन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो रहा है। जिस पर जिन उसे बताता है कि जो लोग इस फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने उन्हें इस फॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक जान के उन लोगों को एक डरावना सपना दिखाया है, जिसकी वजह से वो डर रहे हैं और फॉर्मेशन का कंट्रोल मेरे पास आ गया है। ये सुन के पीक मास्टर कहता है कि लेकिन मुझे तो कोई डरावना सपना नहीं आया, जिस पे जिन कहता है कि तुम अभी वही तो देख रहे हो। जिसे सुन के पीक मास्टर जिन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो देखता है कि वो उसी का एक सैनिक था। तभी जिन पीछे से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। उसी वक्त पीक मास्टर वहाँ पर जिन के रखे हुए ब्लू एंड ग्रीन स्टोन देखता है, जो तभी फट जाते हैं और वो सब मारे जाते हैं। इसके बाद जिन और सैनिकों को मारता हुआ अंदर जाने लगता है, तो उनमें से एक सैनिक एल्डर के पास जाके उसे कहता है कि जिन यहाँ पहुँचने वाला है। तभी रेड मास्टर वहाँ आके कहता है कि कोई नहीं, आने दो उसे, मैं भी उससे मिलना चाहता हूँ। जिस पे वो सैनिक कहता है कि अब आप यहाँ आ गए हो तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। उसी वक्त जिन वहाँ आ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम सबको मार दूंगा और बीपीपी में मरने वाले लोगों का बदला लूंगा। जिस पर रेड मास्टर कहता है कि तुमने अभी मेरे सेकंड सन और इतने सारे सेक्ट के लोगों को मारा है, इसलिए तुम भी नहीं बचोगे। तभी जिन अपनी तलवार से रेड मास्टर पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उन अटैक से रेड मास्टर को कुछ भी नहीं हो रहा था। तो जिन एक बार फिर रेड मास्टर पर अटैक करता है, पर रेड मास्टर बड़े आराम से उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर जिन उस पे हैंड टेक्निक से अटैक करता है, पर रेड मास्टर की हैंड टेक्निक ज्यादा पावरफुल थी,
इसलिए चिन झटके से पीछे जाता है, जिस पे रेड मास्टर कहता है कि तुम इतनी सी पावर से मुझसे लड़ने आए हो। ये सुन के जिन कहता है कि तुम्हारी पावर भी तो रिकवर नहीं हुई। तभी रेड मास्टर एक बच्चे को वहाँ बुला लेता है जो और कोई नहीं बल्कि टोनी था, जिसे देखकर जिन हैरान होते हुए बोलता है कि तुम तो जिंदा हो। जिस पे रेड मास्टर कहता है कि फिलहाल के लिए तो, पर आगे का कुछ नहीं पता। तो जिन टोनी को छोड़ने को बोलता है, जिस पे रेड मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें दो चॉइसेस देता हूँ, जिसमें से पहली है कि मैं तुम्हारे सामने टोनी को मार दूँ, या फिर तुम मेरे सब ऑर्डिनेट बन जाओ और मैं तुमको ट्रेन करूँगा, जिसके बाद ये महल भी तुम्हारा हो जाएगा। ये सुन के टोनी कहता है कि ये डील अच्छी है, इसे लॉक कर दो, क्योंकि बीबीपी के लोग मर चुके हैं और इनके पास बहुत सारे लोग हैं, जिससे लड़ने का रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। साथ ही हमने बीबीपी ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन की थी, जो हम यहाँ भी कर सकते हैं। ये सुन के जिन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए कभी नहीं मानूंगा। जिस पे रेड मास्टर बोलता है कि चलो तो अब तुम अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ, जिसके बाद वो जिन पे फायरबॉल अटैक करता है, पर जिन उसे अपनी तलवार की मदद से काट देता है। लेकिन उसी वक्त बहुत सारी फायरबॉल्स उसकी तरफ आने लगती है, जो उसे उड़ा के बाहर फेंक देती है। जिस पे रेड मास्टर कहता है कि तुम अभी भी मेरे सेक में आ सकते हो, लेकिन जिन बोलता है कि मैं बीबीपी का बदला लेकर रहूंगा। तभी रेड मास्टर उस पे एक और फायरबॉल से अटैक करता है, लेकिन जिन उससे बच के अपनी तलवार से रेड मास्टर को मारने की कोशिश करता है, पर रेड मास्टर बड़ी आसानी से जिन से बचता हुआ उसे दूर फेंक देता है। तभी रेड मास्टर को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ अजीब सी लगती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि इस फाइट को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। इसलिए वो ड्रैगन टेक्निक से जिन पर अटैक करता है। तो जिन अपनी हैंड फॉर्मेशन से ड्रैगन स्पिरिट पर अटैक करता है, लेकिन उससे उसे कुछ भी नहीं होता, जिसके बाद जिन ड्रैगन से बचता हुआ इधर उधर भागने लगता है और एक जगह रुककर अपनी वाटर बॉल की टेक्निक से ड्रैगन स्पिरिट पर अटैक करता है, लेकिन उससे भी उसे कुछ नहीं होता। तो जिन जेनी का सिखाया हुआ अटैक ड्रैगन स्पिरिट पे इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन ड्रैगन फायर के सामने उसे टिकने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, जिसे देखकर रेड मास्टर कहता है कि भले ही तुम्हारा मूव ताकतवर हो, पर वो मेरे मूव को मैच नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारी आखिरी विश बता दो। तभी रेड मास्टर महसूस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर धीरे धीरे कम हो रही है। उसी वक्त जिन अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन पे अटैक करता है और उसे खत्म कर देता है। ये देखकर रेड मास्टर अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, अब तुम मरोगे। अब उस तलवार को देखकर टोनी जिन को बोलता है कि ये एक स्पिरिट ट्रेजर है, इसे अर्थ और हेवन के ऑरे से बनाया जाता है, इसलिए तुम सावधान रहना। अब रेड मास्टर कई सारी फायर बॉल्स जिन की तरफ फेंकता है, जिससे जिन बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो फायर बॉल्स जिन की शील्ड तोड़ के उसकी तरफ बढ़ती है। तो जिन अपनी जेब से एक छोटी सी तलवार निकालकर उस फायरबॉल को काट देता है, जिसे देखकर रेड मास्टर कहते हैं कि ये भी एक स्पिरिट ट्रेजर है। जिस पे जिन बोलता है कि हाँ, ये चेयरमैन का है, जो उन्होंने तुम्हें मारने के लिए रखा था। अब जिन रेड मास्टर पर स्वॉर्ड से अटैक करने की तैयारी करने लगता है। दूसरी तरफ टीचर और बाकी सब तेजी से उसी ओर बढ़ रहे थे। इधर जिन अपनी तलवार से रेड मास्टर पर अटैक करने लगता है, पर रेड मास्टर उन तलवारों से बच जाता है। तभी रेड मास्टर को लगता है कि उसकी स्ट्रेंथ तेजी से गिर रही है। अब जिन अपनी वाटर बॉल टेक्निक और उस स्वॉर्ड को मिला के रेड मास्टर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से रेड मास्टर को थोड़ी चोट लग जाती है। साथ ही जिन भी बहुत ज्यादा थक गया था। उसी वक्त जिन को लगता है कि रेड मास्टर का स्पिरिचुअल सोर्स उसकी चेस्ट के बीच में है, इसलिए जिन वहाँ एक स्टोन रखकर रेड मास्टर पे अटैक करता है, जिसके बाद रेड मास्टर अपने आप को हील करने लगता है। साथ ही जिन की हालत भी खराब हो गई थी, जिस पे रेड मास्टर जिन को कहता है कि तुमने लगभग अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म कर ली है। तो जिन कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारी भी करवा दी है। तभी टोनी पीछे से जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इधर जब वो सब उस सेक्ट के अंदर आ रहे थे, तब उन्हें बहुत सारे लोग भागते हुए दिखते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि जिन ने इस सेक्ट के कई लोगों को मार दिया है और अब वो सेक्ट के मास्टर से लड़ रहा है, जहां उसके जीने और मरने का कुछ पता नहीं। ये सुनकर वो लोग तेजी से महल की ओर बढ़ने लगते हैं। इधर जिन टोनी का अटैक रोक लेता है और अपने स्वॉर्ड से उसका गला काट देता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो टोनी नहीं बल्कि सेक्ट का ही एक बंदा था, जिसने टोनी का भेस रख रखा था। अब रेड मास्टर जिन से पूछता है कि तुम्हें इसके नकली होने का पता कैसे चला, जिस पर जिन कहता है कि ये तो बड़ा आसान था, क्योंकि मेरा दोस्त एक अच्छा लड़का था और वो हमारी सेक्ट ज्वाइन करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। इसके बाद जिन फिर से रेड मास्टर से लड़ने लगता है और मौका पाकर जगह जगह अपने स्टोन्स डालने लगता है, जिसके बाद जिन एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उन दोनों के आसपास एक शील्ड जैसी बन जाती है,
जिसे देखकर रेड मास्टर कहता है कि ये तो वही फॉर्मेशन है जिसकी वजह से मैं रिकवर नहीं हो पा रहा। अब जिन दो स्पिरिट ड्रैगन बना के रेड मास्टर पर अटैक करता है, जिसमें से एक को रेड मास्टर बड़ी आसानी से खत्म कर देता है। लेकिन जब रेड मास्टर दूसरे ड्रैगन को खत्म कर रहा था, तभी उसकी तलवार टूट जाती है। इसके बाद जिन अपनी वाटर बॉल टेक्निक से रेड मास्टर की स्पिरिट वाली जगह पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें रेड मास्टर मर जाता है। साथ ही जिन भी बहुत ज्यादा इंजर्ड और थक गया था। ये देखकर वो एल्डर जिन को बोलता है कि तो रेड मास्टर के बाद ये जगह मेरी हुई, इसलिए अब तुम भी रेड मास्टर के पास चले जाओ। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो पार्ट 15 की शुरुआत में वो एल्डर जिन को मारने ही वाला था कि तभी जिन बोलता है कि तुम रेड मास्टर की जगह लेना चाहते हो, लेकिन तुम्हें क्या पता है मैंने अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा के उसे कैसे मारा। जिस पर वो एल्डर जिन का गला पकड़ के उसके बारे में पूछता है, पर जिन उसके मुंह पर थूक देता है। तो वो लीडर जिन को नीचे पटक कर मारने ही वाला था। उसी वक्त वहाँ पर लीजा और टीचर आकर एल्डर पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। अब लीजा जिन के पास चली जाती है। इधर बेन, रॉय और बाकी सब भी वहाँ आ जाते हैं और एल्डर को कहते हैं कि तुमने जिन को बहुत हर्ट किया है, अब तुम नहीं बचोगे। इसके बाद टीचर एल्डर पर अटैक करने लगती है, पर उसका अटैक एल्डर आराम से रोक पा रहा था। तभी बेन एल्डर पर पीछे से वार करता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर एल्डर को पीटने लगते हैं, जिसे देखकर एल्डर उन सबको चकमा देने लगता है। जिसके जाने के बाद रॉय रेड मास्टर के सैनिकों से कहता है कि अपनी हार मान लो, नहीं तो तुम सब मरोगे। जिस पर कुछ सैनिक तो मान जाते हैं, पर बहुत से सैनिक नहीं मानते। तो बेन और बाकी सब मिलकर उन सैनिकों को मार देते हैं और पूरी सेक को बीबीपी के अंडर ले लेते हैं। अब हम 3 दिन बाद लीजा को देखते हैं, जो जिन के उठने का वेट कर रही थी। तभी जिन उठ जाता है और बोलता है, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? जिस पे लीजा उसे बताती है कि तुम जिंदा हो। साथ ही रेड मास्टर की सेक्ट के सभी लोग मर चुके हैं और बड़ी फैमिली के लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये सुनकर जिन कहता है कि अब जाकर चेयरमैन और बाकी सबकी सोल को शांति मिलेगी। तभी लीजा जिन को नए कपड़े देती है, क्योंकि उसके पुराने कपड़े फट चुके थे, जिन्हें देखकर जिन बहुत खुश हो जाता है। इधर हम बीबीपी पेविलियन को देखते हैं, जो फिर से बन रहा था। साथ ही बड़ी बड़ी फैमिली के लोग बड़े बड़े गिफ्ट लेके उन्हें ज्वाइन करने आ रहे थे, क्योंकि अब बीबीपी ही उस एरिया का अकेला और सबसे ताकतवर पेविलियन था। तभी जिन उस पेविलियन में पहुंच जाता है और पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। जिस पर लीजा कहती है कि बड़ी फैमिली के लोग हमें ज्वाइन करने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट ला रहे हैं। ये सुनकर जिन कहता है कि क्या ये लोग हमें गिफ्ट में सुंदर सुंदर लड़कियां भी दे रहे हैं। जिस पे लीजा उसे मुक्का मार के कहती है कि तुम कभी सीरियस भी हो जाया करो। उसी वक्त वहाँ पर उस इंचार्ज का बेटा आ जाता है और जिन से माफी मांगने लगता है कि उसने और उसके फादर ने उसके बारे में बहुत बुरा सोचा था। जिस पर जिन बोलता है कि मैं वो सब भूल चुका हूँ, साथ ही तुम्हारे फादर ने बीबीपी पेविलियन के लिए जान देके हमारा हौसला और बढ़ा दिया है, इसलिए तुम बिल्कुल भी शर्मिंदा ना हो। इधर रॉय टीचर के पास जाके कहता है कि हमारे पास गिफ्ट रखने की जगह खत्म हो रही है, तो टीचर उसे नई जगह बनाने को बोल देती है। उसी वक्त वहाँ जिन आ जाता है, जिसे पूरी तरह रिकवर देख के रॉय और बाकी सब खुश हो जाते हैं और रॉय उसे अपनी गोद में उठा के रोने लगता है। जिस पर जिन चिल्ला के कहता है कि प्लीज मेरे नए कपड़े खराब मत करो और मुझे छोड़ के अपने वजन पर ध्यान दो। उसी वक्त टीचर जिन से कहती है कि अब ये पेविलियन फिर से बन चुका है, पर अभी तक इसका कोई मास्टर नहीं बना है, इसलिए मास्टर की जगह तुम ले लो, क्योंकि तुम चेयरमैन के खास स्टूडेंट थे। जिस पर बेन भी कहता है कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जिन कहता है कि आपका मुझ पर ट्रस्ट दिखाने के लिए थैंक यू, पर मैं मास्टर नहीं बन सकता, क्योंकि मैं इस जगह के बाहर की जगह को देखना चाहता हूँ, ताकि मैं पेविलियन और अपनी पावर बढ़ाकर ज़ेनयान हॉल को हरा सकूँ। जिस पर टीचर कहती है कि तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर की जगह बहुत खतरनाक है और हम ज़ेनयान हॉल से बदला बाद में ले लेंगे। जिस पर जिन कहता है कि ज़ेनयान हॉल हमसे बहुत ताकतवर है, इसलिए हमें यहाँ से बाहर निकलकर अपनी पावर बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो कल को ज़ेनयान हॉल हमें कभी भी आगे मार देगा। जिस पर बेन और रॉय बोलते हैं कि हम भी जिनकी बात से सहमत है और हम भी जिनके साथ बाहर जाके अपनी पावर बढ़ाएंगे। तो ये सुनकर टीचर कहती है कि ठीक है, हम अपना नया बीबीपी हॉल इस जगह से बाहर बनाएंगे। जिस पर बेन कहता है कि तो इस हॉल में रहकर यहाँ की रक्षा कौन करेगा। तो जिन कहता है कि रॉय के फादर और उनके सैनिक यहाँ पर रह सकते हैं, क्योंकि वो बहुत रिलायबल हैं। ये सुनकर टीचर कहती है कि जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक के लिए तुम ही यहाँ के मास्टर बन जाओ। जिस पर जिन मान जाता है और रॉय के फादर को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर 1 महीने बाद उन सबको लेके अपने सफर पर निकल जाता है। जहाँ रेगिस्तान में चलते हुए जिन कहता है कि इस मैप के अकॉर्डिंग हमें तो अब तक उस जगह पर पहुँच जाना चाहिए था। जिस पर उनके साथ आए हुए सैनिक कहते हैं कि पता नहीं हमें यहाँ से निकलने में और कितना समय लगेगा। तो टीचर उन सबको कहती है कि तुम सब जिन पर विश्वास रखो और जिन के पास जाके पूछती है कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे। पर जिन कहता है कि मुझे लगता तो है कि हम मैप को सही से फॉलो कर रहे हैं। तभी बेन उन्हें कैक्टस दिखाता है,
जिसके पास से वो सब कई बार गुजर चुके थे। ये देखकर जिन सबको कहता है कि लगता है हम सब किसी इल्यूजन में फंस गए हैं, जिसके बाद जिन ध्यान लगाकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और अपने स्टोन्स की मदद से उसकी तैयारी करने लगता है। लेकिन तभी वो स्टोन्स अचानक से फट जाते हैं, जिस पर जिन कहता है कि लगता है इस डेजर्ट के नीचे कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स छुपी हुई है। तो टीचर उन सबको गड्ढा करके वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ढूंढने को कहती है, पर उसी वक्त जिन के अंदर वाले गोल्डन स्क्रोल में कुछ हरकत होती है, जिसके बाद वहाँ पर उन सबके सामने जमीन में से एक बड़ा सा दरवाजा निकलता है, जिसे देखकर उनमें से एक सैनिक बोलता है कि कहीं ये ग्रेट डेमोन टॉम में जाने का एंट्रेंस गेट तो नहीं है। जिस पर रॉय कहता है कि वो जगह तो बहुत खतरनाक होगी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। उसी वक्त जिन का गोल्डन स्क्रोल फिर से चमकता है, तभी जिन को लगता है कि इस गेट और स्क्रोल में कुछ न कुछ कनेक्शन है, इसलिए वो रॉय से कहता है कि यहाँ कोई खतरा नहीं होगा और हो सकता है कि इसके अंदर जाके हमें ट्रेजर मिले। ये सुन के रॉय अंदर जाने को मान जाता है। इसके बाद टीचर बेन और कुछ सैनिकों को बाहर छोड़ देते हैं और जिन और बाकी सभी के साथ अंदर चली जाती है, जहाँ अंदर जाने पर रॉय कहता है कि ये जगह बहुत डरावनी लग रही है। साथ ही लीजा भी जिन से कहती है कि हम इस सीढ़ी पर बहुत देर से चढ़ रहे हैं पर इसके एंड तक नहीं पहुँचे हैं, जिस पर जिन कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी एंड पर पहुँच जाएंगे। तभी जिन महसूस करता है कि अब धीरे धीरे उसका गोल्डन स्क्रोल और तेज हरकत करने लग रहा है। थोड़ी देर चलने के बाद वो सब एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ उन सबको सामने एक बहुत बड़ा सा सी दिखता है, जिसका पानी बिल्कुल काले रंग का था। ये जानकर लीजा कहती है कि मैंने ब्लैक सी के बारे में लाइब्रेरी में पढ़ा है कि ये हर लिविंग थिंग को निगल जाता है। ये सुनकर जिन कहता है कि हमें आगे चल के देखना चाहिए, क्या पता वहाँ कोई खतरा ना हो। तभी वहाँ पर उन सबको एक अजीब सी आवाज आने लगती है, तो वो लोग इधर उधर देखने लगते हैं। उसी वक्त रॉय एक उड़ते हुए बंदे की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि ये आवाज वो निकाल रहा है, जिसे घोष समझकर रॉय उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे कुछ मत करना। उसी वक्त ब्लैक सी के अंदर से एक लेजेंडरी बीस्ट बाहर निकलती है और उस उड़ते हुए बंदे पर अटैक कर देती है, जिन्हें देखकर टीचर कहती है कि ये दोनों हेवेनली स्टेज पर है। जिस पर लीजा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इतने स्ट्रांग लोग भी होंगे। इसके बाद वो सभी लोग उन दोनों की लड़ाई का फायदा उठा के भागने लगते हैं, जहाँ भागते हुए टीचर कहती है कि तुम सब इनके अटैक की एनर्जी से बच के रहना। तभी जिन एक अटैक एनर्जी को आता हुआ देखता है, जिसे देख के जिन लीजा को प्रोटेक्ट करने लगता है और बाकी सभी अटैक एनर्जी को सहने की कोशिश करते हैं, पर वो लोग उसे सह नहीं पा रहे थे। तभी जिन ब्रिज पर लगी हुई मशालों को देखता है, जिन्हें देखकर जिन अपने और टीचर के ऊपर एक शील्ड बना देता है, पर तभी रॉय उस एनर्जी को रोक ना पाने की वजह से हवा में दूर उड़कर जाने लगता है। लेकिन सही समय पर जिन उसे लात मारकर ब्रिज के एंड तक पहुंचा देता है, जहां वो सब सेफ थे। अब वहां पहुंचने के बाद टीचर जिन से पूछती है कि तुमने वो शील्ड कैसे बनाई, क्योंकि उस अटैक की पावर तो बहुत ज्यादा थी। जिस पर जिन कहता है कि मैंने उस ब्रिज की मशालों को बड़े ध्यान से देखा था, जिसे देखकर मुझे पता चला कि उसके ऊपर एक खास तरह की शेल लगी हुई है, जिसकी मदद से वो मशाले उस ब्रिज को अटैक एनर्जी से टूटने से बचा रही थी, इसलिए मैंने भी उसी तरह की शेल बना ली। ये सुनकर टीचर बोलती है कि तुम ये सब इतनी जल्दी कैसे सोच पाए, जिस पे जिन बोलता है कि मैं एक जीनियस हूँ और कहीं भी बड़ी आसानी से रह सकता हूँ। इसके बाद वो सब आगे जाने लगते हैं, जहाँ रॉय बोलता है कि हमें पहले ही बहुत खतरा मिला है, ना जाने आगे और कितना खतरा होगा। जिस पर जिन कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मेरे जैसा एक जीनियस है। अब वो चलते चलते एक जगह पहुँचते हैं, जहाँ उनके सामने एक आइलैंड था, जिस पर लीजा कहती है कि ब्लैक सी के बारे में मैंने पढ़ा था, पर उसमें इस आइलैंड का कोई जिक्र नहीं था। जरूर यहाँ पे आए हुए लोग वापस नहीं लौट पाए होंगे, जिसे सुनकर रॉय वापस चलने के लिए बोलता है। तो जिन कहता है हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, हमें आगे भी चलना चाहिए, जिसके बाद वो लोग उस आइलैंड पर चले जाते हैं, जहाँ चलते हुए अचानक से उनके सामने एक स्टोन मैन आ जाता है, जिसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा थी, जिसे देखकर जिन कहता है कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं इसे देख लूंगा। जिसके बाद जिन उस स्टोन मैन पर अटैक करता है, पर जिन के अटैक से उसे कुछ भी नहीं होता और वो जिन को पकड़ लेता है, लेकिन जिन उसके चंगुल से छूट के कहता है कि लगता है इसे अंदर से हराना पड़ेगा। जिसके बाद जिन अंदर की साइड से उस स्टोन मैन पर फायर अटैक करता है, जिससे वो स्टोन मैन टूटकर बिखर जाता है, जिस पर जिन कहता है कि देखा मैं कितना जीनियस हूँ। तभी वो स्टोन मैन फिर से जुड़कर खड़ा हो जाता है और जिन पे अटैक करने लगता है, जिस अटैक को वो लोग मिलकर रोकने लगते हैं। तभी वो स्टोन मैन अपनी शील्ड की मदद से उन्हें मारने वाला था, पर उसे जिन के अंदर वाले गोल्डन स्क्रोल का पता चल जाता है, जिसके बाद वो स्टोन मैन अपने
दोनों अटैक को रोक देता है, जिसे देखकर जिन कहता है कि ये अचानक से कैसे रुक गया। लगता है इसके पीछे कोई न कोई कारण है। तभी वो स्टोन मैन फिर से हिलने लगता है, तो जिन सबको पीछे हटाकर स्टोन मैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वो स्टोन मैन अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेता है। इसके बाद वो लोग और आगे बढ़ते हैं, जहाँ जाते जाते जिन कहता है कि मैंने अपने स्पिरिट ऑरा से आसपास चेक किया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लिविंग थिंग नहीं है। उसी वक्त उन सबको सामने एक लड़की बैठी हुई दिखती है, तो वो सब उसे चुपकर देखने लगते हैं, जहाँ रॉय कहता है कि कहीं यही लड़की तो स्टोन मैन को कंट्रोल नहीं कर रही थी। उसी वक्त वो लड़की उस ब्लैक सी के पानी से एक बड़ा सा ड्रैगन बनाती है, जिसे देखकर लीजा कहती है कि ये कितनी ताकतवर होगी जो इतनी आसानी से ब्लैक सी को कंट्रोल कर रही है। तभी रॉय जिन से कहता है कि इस लड़की का पता तुम्हें कैसे नहीं चला, जिस पर लीजा बोलती है कि मैंने अपने फादर से कुछ खास लेजेंडरी कल्टीवेटर के बारे में सुना है, जिनके आसपास होने का किसी को पता नहीं चल पाता है। तो जिन कहता है कि ये लड़की हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सुनकर वो टीचर वापस चल के एक प्लान बनाने को कहती है, ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए वो लोग वहाँ से वापस जाने लगते हैं, पर तभी गलती से रॉय एक लकड़ी पर पैर रख देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को उन सबके वहाँ होने का पता चल जाता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है। तो पार्ट 16 की शुरुआत में जिन पकड़े जाने पर उस फेरी से कहता है कि हम लोग बाहर का रास्ता ढूंढते हुए गलती से यहाँ आ गए हैं, पर हम अब जा रहे हैं, जिसके बाद वो सब दूसरी ओर भागने लगते हैं, जहाँ भागते हुए लीजा जिन को कहती है कि हो सकता है उस फेरी को बाहर जाने का रास्ता पता हो, जिस पे जिन उस फेरी गर्ल से वापस बाहर जाने का रास्ता पूछने जाता है। लेकिन उसी वक्त वो फेरी गर्ल जिन को कहती है कि क्या तुम उस बंदे को जानते हो, जिस पर जिन उस फेरी गर्ल से पूछता है कि आप किस बंदे की बात कर रही हो। ये सुन के फेरी गर्ल कहती है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम सब मरोगे, जिसके बाद फेरी गर्ल पहले से भी ज्यादा ताकतवर 4 स्टोन मैन को उन पे अटैक करने को भेजती है, जिसे देखकर जिन अपनी गोल्डन बुक की शक्ति की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो स्टोन मैन नहीं रुक रहे थे। इसलिए जिन फेरी गर्ल से कहता है कि भले ही मुझे उस बंदे के बारे में नहीं पता हो, लेकिन मैं तुम्हारी उसे ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। ये सुनकर फेरी गर्ल उन सभी स्टोन मैन को वापस भेज देती है, जिसके बाद जिन फेरी गर्ल से पूछता है कि उस बंदे का नाम क्या है जिसे तुम ढूंढ रही हो, तो फेरी गर्ल उसे कहती है कि मुझे नहीं पता, जिस पर जिन उसे पूछता है कि वो बंदा कैसा दिखता है, लेकिन उस फेरी गर्ल को इसके बारे में भी नहीं पता था। ये सुन के जिन अपने मन में सोचता है कि कहीं ये फेरी गर्ल मुझे पागल तो नहीं बना रही है, पर फिर भी जिन उस फेरी गर्ल से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं उस बंदे को ढूंढ लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम मेरे दोस्त को बाहर भेज दो, जिस पर फेरी गर्ल मानकर बाहर जाने का पोर्टल खोल देती है। तो जिन सबसे बाहर जाने को बोलता है, तो लीजा उससे पूछती है कि तुम बाहर कैसे आओगे, तो जिन लीजा से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं कैसे भी करके बाहर आ जाऊंगा, जिसके बाद वो सब एक एक करके उस पोर्टल से बाहर जाने लगते हैं, जिसके एंड में जिन भी उस पोर्टल से भागने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वो फेरी गर्ल पोर्टल बंद कर देती है। तो जिन फेरी गर्ल से कहता है कि अगर तुम मुझे बाहर ही नहीं जाने दोगी तो मैं उस बंदे को कैसे ढूंढूंगा। ये सुनकर फेरी गर्ल कहती है कि तुम्हें पोर्टल की जरूरत नहीं है, जिसके बाद फेरी गर्ल उस ब्लैक सी से गोल्डन को बाहर निकालती है, जो एक लेजेंडरी बीज था। अब फेरी गर्ल जिन को कहती है कि ये तुम्हें बाहर लेके जाएगा, तो जिन फेरी गर्ल से पूछता है कि मैं एक बात तो पूछना भूल ही गया था कि अगर तुम्हारे टास्क में मैं मर गया तो तुम्हारा टास्क तो अधूरा रह जाएगा, इसलिए मुझे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी। ये सुन के फेरी गर्ल कहती है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है, जिसके बाद फेरी गर्ल जिन के सर से वो गोल्डन स्क्रोल निकाल देती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके ब्लैक सी में डाल देती है, और एक मैजिक परफॉर्म करके एक नया गोल्डन स्क्रोल बाहर निकालती है और उसे वापस से जिन के सर में डाल देती है, जिसे जिन अपने मन में जाकर देखता है, तो उसे पता चलता है कि वो गोल्डन स्क्रोल पहले से अच्छा है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी एब्जॉर्ब करने की शक्ति बहुत बढ़ गई है। ये देखकर जिन उस बुक की मदद से एक बार मेडिटेट करता है और मैरो वॉशिंग स्टेज के लास्ट लेवल पर पहुंच जाता है। अब जिन फेरी गर्ल से पूछता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, पर फेरी गर्ल उसे इग्नोर कर देती है और गोल्डन ईगल को इशारा करके जिन को बाहर ले जाने को बोलती है, जिसके बाद वो गोल्डन ईगल जिन को अपने ऊपर बिठा कर बाहर ले जाने लगती है, जहां जाते हुए जिन अपने मन में सोचता है कि पता नहीं अगर मैंने उस बंदे को नहीं ढूंढा तो ये लड़की मुझे मार न दे। अब बहुत देर तक उड़ने के बाद जिन उस बर्ड से कहता है कि हम बहुत देर से उड़ रहे हैं, इसलिए तुम अब नीचे चलो, पर वो गोल्डन ईगल उसकी बात नहीं मानती और आगे बढ़ने लगती है। तो जिन जेनी के बारे में सोचते हुए उस बर्ड पर ही सो जाता है। अगली सुबह जिन फिर से उस बर्ड को नीचे चलने को बोलता है, पर वो बर्ड नहीं मानता। इधर हम दो लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे थे कि अगर बारबेरियन कबीला किसी चीज के लिए मान जाए तो उन दोनों की फैमिली और भी ताकतवर हो जाएगी। इधर जिन बर्ड से कहता है कि अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम नीचे चल सकती हो, पर उसी वक्त वो बर्ड जिन को एक चमकती हुई रोशनी के पास ले जाने लगती है। दूसरी तरफ हम बारबेरियन कबीले को देखते हैं, जो
अपने गॉड को बुलाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, जिन्हें वो दोनों लोग भी चुपके से देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये कितने बेवकूफ हैं जो इतनी बार गॉड को बुलाने की कोशिश कर चुके हैं। दूसरा बंदा कहता है कि ये आगे से ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि गॉड को बुलाने के लिए जो इनके पास गोल्डन फेदर है आखिरी है। अब उस कबीले का लीडर उस गोल्डन फेदर को प्रे करने के बाद आग में डाल देता है, जिसके बाद वहाँ पहले जैसी रोशनी निकलने लगती है। तो कबीले के सारे लोग झुककर गॉड को बुलाने की प्रे करने लगते हैं। इधर जिन को वो गोल्डन ईगल उस जगह पर गिरा देती है, जिसे देखकर वो लोग समझने लगते हैं कि जिन ही उनका गॉड है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनका गॉड एक गोल्डन ईगल पर आने वाला था। अब जिन उठकर देखता है कि वो सब लोग तो होली फिटर्स लेवल के लोग हैं, तो जिन उस गोल्डन ईगल को खुद को वापस ले जाने को बोलता है, पर तब तक वो गोल्डन ईगल वहाँ से जा चुकी थी। जिस पर जिन अपने मन में सोचता है कि वो इतने सारे होली फिटर्स के लोगों से कैसे लड़ेगा। उसी वक्त वो सारे लोग जिन के आगे झुककर उसे गॉड बुलाते हुए उसका स्वागत करने लगते हैं। तो जिन खुश होने लगता है और उन सब से बचने के लिए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा गॉड हूँ और तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। ये सुनकर वो लोग भी खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों लोग चुपकर ये देखने के बाद बातें करने लगते हैं कि क्या जिन सच में एक गॉड है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनका प्लान फेल हो जाएगा। तभी जिन उन दोनों को देख लेता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर कबीले का बंदा जिन को कुछ कहने लगता है, लेकिन कबीले का लीडर उसको इशारा कर देता है। तो वो बंदा कहता है कि ये दोनों हमारे गेस्ट हैं। ये सुनकर जिन अपने मन में सोचता है कि ये दोनों अगर गेस्ट हैं तो ये पीछे क्यों छुप रहे थे, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो लीडर जिन को कहता है कि गॉड हमारा डिवाइन गेट कई सालों से नहीं खुल रहा है, इसलिए आप उसे खोलने में हमारी मदद कीजिए। पर जिन को डिवाइन गेट के बारे में कुछ नहीं पता था, तो जिन कहता है कि अभी मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए मैं आराम करने के बाद तुम लोगों की मदद करूंगा। ये सुन के कबीले का लीडर जिन को अपने टेंट्स के पास ले जाने लगता है, जिसे देखकर जिन अपने मन में सोचता है कि यहाँ से तो मैं आसानी से भाग जाऊंगा। पर तभी वो लीडर जिन को उन सभी टेंट्स के बीच वाला टेंट दिखाकर कहता है कि ये आपका टेंट है, जिसे देखकर जिन सोचता है कि यहाँ पर कोई गार्ड्स तो नहीं होंगे, इसलिए यहाँ से निकलने में मुश्किल नहीं होगी। पर तभी वो लीडर दो गार्ड्स को जिन के टेंट के बाहर खड़े रहने का ऑर्डर देने लगता है, ताकि कोई अंदर ना जा सके। अब जिन थोड़ी देर तक उस टेंट में आराम करने के बाद टेंट के बाहर चुपके से देखकर कहता है कि क्या मैं यहाँ से भाग जाऊँ। पर तभी वो देखता है कि वो गार्ड एक उड़ती मक्खी को भी काट दे रहे हैं, जिसे देखकर जिन डर के वापस अंदर आ जाता है और कहता है कि मैं इनके सोने का इंतजार करता हूँ। इधर वो दो बंदे जिन के टेंट की ओर देखकर आपस में बात कर रहे थे कि जिन आज जरूर वहाँ से भाग जाएगा, क्योंकि वो एक नकली गॉड है। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर जिन यहाँ से भाग गया तो हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन कहीं कबीले का लीडर ये ना समझ ले कि जिन को हमने भगाया है, इसलिए वो दोनों खुद जिन के भागने की खबर कबीले के लीडर को देने का डिसाइड करते हैं। तभी वो देखते हैं कि जिन चुपके से उन दोनों सैनिकों के सोने के बाद टेंट से बाहर जाने लगता है, पर उसी वक्त उनमें से एक सैनिक की आँख खुल जाती है और वो जिन से पूछता है कि ग्रेट गॉड आप कहाँ जा रहे हो, जिसपे जिन बोलता है कि मैं बस टॉयलेट जा रहा हूँ। तो वो सैनिक जिन को जाने देते हैं, जिसके बाद जिन छुपता हुआ आगे बढ़ने लगता है। साथ ही उनमें से एक बंदा भी जिन का पीछा कर रहा था और दूसरा बंदा कबीले के लीडर को जाके कहता है कि मैं आपको कुछ अर्जेंट बात बताना चाहता हूँ। जिस पर वो लीडर कहता है कि क्या बात है। तो वो बंदा कहता है कि आपका गॉड यहाँ से भाग रहा है और मैंने उसे भागते हुए देखा है। जिस पर वो लीडर कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। इधर जिन तेजी से आगे बढ़ रहा था, तभी वो कबीले के दो लोगों को देखता है, इसलिए वो एक जगह छुप जाता है जहाँ वो उन दोनों की बातें सुनता है, जिसमें वो कह रहे थे कि डिवाइन गेट को तो शेंटोंग और डाओजोंग लेवल के लोग भी नहीं खोल पाए थे, जो हेवेनली लेवल से भी ऊपर है। ये सुन के जिन हैरान हो जाता है कि हेवेनली से भी ऊपर कोई लेवल होता है, पर वो इस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए वहाँ से भागने लगता है। उसी वक्त दूसरा बंदा जिन पर अटैक करता है, तो जिन उस अटैक को अपने अटैक से खत्म कर देता है, जिसकी रोशनी कबीले के लीडर और बाकी सभी देख लेते हैं। इधर जिन उस बंदे से पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पे वो बंदा कहता है कि मैं भोले बारबेरियंस को तुम्हारे द्वारा बेवकूफ नहीं बनने दूंगा। उसी वक्त वो लीडर और बाकी सब आ जाते हैं, जिसे वो बंदा कहता है कि तुम्हारा नकली गॉड यहाँ से भाग रहा था। जिस पर वो दोनों सैनिक कहते हैं कि लगता है तुमको कोई गलतफहमी हुई है, ये बस टॉयलेट जाने के लिए निकले थे। जिस पर वो दूसरा बंदा कहता है कि ये टॉयलेट के लिए इतना दूर क्यों आए हैं। जिस पर वो सैनिक कहते हैं कि टॉयलेट अपनी रहने की जगह से दूर ही जाते हैं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि तुम हम लोगों की बातों का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो, ये बंदा तो बस मैरो प्योरिफिकेशन स्टेज पर है, तो वो
तुम्हारा गॉड कैसे हो सकता है? जिस पर वो लीडर कहता है कि ग्रेट गॉड को गोल्डन बर्ड पर आना था और ये उसी पर आए हैं। तो वो लोग कहते हैं कि जब ये आया था तो वो बर्ड तो तभी भाग गया था, मतलब ये उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। उसी वक्त जिन कहता है कि मैं आप सबसे गुस्सा हूँ कि आपके साथ ऐसे लोग हैं जो आपकी यूनिटी तोड़ना चाहते हैं। ये सुनकर वो लीडर जिन से माफी मांगता है और उन दोनों को वहाँ से भगाने लगते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि अगर ये असली गॉड है तो ये डिवाइन गेट को भी खोल देगा, इसलिए हमें कल ही गेट खुलवा देना चाहिए। ये सुनकर जिन थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसे डिवाइन गेट के बारे में नहीं पता था, पर फिर भी जिन कहता है कि मैं वो गेट जरूर खोल दूंगा। जिस पर वो दोनों कहते हैं कि अगर इसने डिवाइन गेट खोल दिए तो हम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर जिन सोचता है कि वो गेट कबीले वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगली सुबह वो सारे बारबेरियन जिन के टेंट के बाहर खड़े होकर उसे गेट खोलने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, जिसे देखकर जिन परेशान होने लगता है, पर फिर भी वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। ये देखकर वो दोनों लोग सोचते हैं कि क्या ये सच में उन गेट्स को खोलेगा। आगे वो सब स्पिरिचुअल गेट के सामने पहुंचकर खड़े हो जाते हैं, जहां लीडर जिन को गेट्स खोलने के लिए कहता है, जिसे सुनकर जिन उन गेट्स को बड़े ध्यान से देखने लगता है और सोचता है कि इन गेट्स को खोलने का जरूर कोई रास्ता होगा, क्योंकि बारबेरियन कबीले के लोग पहले इसके अंदर कल्टीवेशन किया करते थे, लेकिन जिनको बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। जिसके बाद जिन दूसरे डिवाइन गेट के पास जाकर उस गेट को छूता है, जिसे छूते ही जिन अपने मन में पहुंच जाता है जिसके सामने एक वैसा ही डिवाइन गेट था। इधर वो दोनों बोलते हैं कि जिन इन गेट्स को नहीं खोल सकता, जिसपे वो लीडर कहता है कि इन गेट्स को खोलने के लिए बहुत एनर्जी और टाइम लगता है, इसलिए तुम चुपचाप खड़े रहो। इस तरफ जिन अपने मन में उस गेट के पास जाकर उसे छूता है, जिसके बाद उस गेट पर कुछ लिखा हुआ चमकने लगता है, जिसे पढ़कर जिन समझ जाता है कि उस पे बारबेरियन रेज नाम की एक एशियन टेक्निक लिखी है। तभी वो लेटर्स उस गेट से निकल कर जिन के अंदर आ जाते हैं, जिसके साथ बारबेरियन रेज टेक्निक भी जिन के अंदर आ गई थी, जिसकी मदद से जिन अपने मन वाले गेट को तोड़ देता है। पर जिन बाहर आके देखता है कि डिवाइन गेट अभी भी नहीं खुला था, इसलिए जिन उसे अपने हाथों से खोलने की कोशिश करने लगता है और उस पे एक लात मारता है, लेकिन वो गेट तब भी नहीं खुलता। उसी वक्त उनमें से एक बंदा कहता है कि अगर जिन ने ये गेट खोल दिया तो मैं यहाँ से नंगा बाहर जाऊंगा, जिसे देखकर जिन अपने मन में सोचता है कि अगर फेरी गर्ल ने उसके अंदर वो नया स्क्रोल नहीं डाला होता तो जिन आज वो गेट नहीं खोल पाता। तभी वो गेट खुलता देखकर सभी बारबेरियंस जिन को थैंक यू बोलते हुए उसके सामने झुकने लगते हैं। उसी वक्त उनमें से एक बंदा तीसरे डिवाइन गेट पर अटैक करके उसे खोलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर जिन ऐसा कर सकता है तो वो भी ऐसा कर सकता है, पर वो डिवाइन गेट उसे दूर फेंक देता है। तो वो बंदा दोबारा उस गेट की तरफ जाने लगता है, पर जिन बारबेरियन रेज टेक्निक की मदद से उस बंदे को वापस पीछे फेंक देता है, जिसे देखकर वो बंदा मन में सोचता है कि इसके पास ये टेक्निक कैसे आई, ये टेक्निक तो कब की विलुप्त हो चुकी है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो कबीले का लीडर उस बंदे को कहता है कि तुमने तो कहा था अगर जिन गेट खोल देगा तो तुम यहाँ से नंगे जाओगे, जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, पर कबीले के लोग नहीं मानते और उसे पीटने लगते हैं। अब जिन अपनी पावर की मदद से सेकंड डिवाइन गेट को भी खोल देता है, पर इसमें वो बहुत ज्यादा थक चुका था। तो लीडर जिन को कहता है कि आपको तीसरा गेट खोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए दो गेट ही काफी है। तो जिन इसके लिए मान जाता है, जिसके बाद कुछ बारबेरियंस उस गेट के अंदर कल्टीवेशन के लिए चले जाते हैं। इधर जिन को एक लड़की होली वाटर दे के कहती है कि ये हमारी फैमिली की खास चीज है जो आपकी एनर्जी को रिकवर करने में मदद करेगी। तो जिन उससे वो होली वाटर लेकर उसे थैंक यू बोलता है। तभी जिन उस तीसरे स्पिरिचुअल गेट पर ब्लैक सी के पानी को देखता है, जिसे देखकर जिन मन में सोचता है कि कहीं ना कहीं उस फेरी गर्ल और इन बारबेरियंस में कुछ रिलेशन है। पर जिन इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए उस होली वाटर को पी जाता है, जिसके थोड़े ही समय बाद जिन को अजीब सा लगने लगता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है, जिसके बाद जिन बेहोश हो जाता है। आगे हम जिन को देखते हैं जो बेहोश पड़ा था। तभी एक सिपाही जिन के ऊपर बैठकर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जिन उसी वक्त उठ जाता है और उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर वो सिपाही कहता है कि हमारा सलाइवा होली वाटर को अच्छे से कंज्यूम करने में मदद करता है, जिसे आपकी बॉडी ठीक से कंज्यूम नहीं कर पा रही है, इसलिए मैं बस आपको अपना सलाइवा देकर बस आपकी मदद कर रहा था। ये सुनकर जिन उसे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ठीक हो जाऊंगा। जिसके बाद जिन लीडर से पूछता है कि मैंने अब वो गेट्स खोल दिए हैं तो क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ। तो वो लीडर कहता है कि आप यहाँ से जा सकते हो, पर आपके यहाँ आने के बारे में हमें बहुत पहले एक डिवाइन बच्चे ने बताया था। साथ ही उसने हमें बोला था कि आप हमें बारबेरियन रेज टेक्निक भी सिखाओगे, जिसे हम जरूर सीखना चाहेंगे। ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है और सोचता है कि वो इन लोगों को ये टेक्निक कैसे सिखाएगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।